गौरी अंदर है, आप लोग अंदर जाइए, वहाँ हल्दी का रस्म शुरू होने वाली है। ओह थैंक्स। तेरे बाबूजी को देख के मेरी जान ही फूट गई। लेकिन अब तो बच गए ना यार, भूल जाओ बाबूजी को, चलो गौरी के पास चलते हैं। एक्सक्यूज मी, वेयर इज द किचन? हमें क्या, सॉरी, आई डोंट नो, आई नो, या या आई नो वेयर इज द किचन। यू वांट टू गो टू किचन? एक्चुअली किचन इज दैट साइड। व्हाट्स योर नेम? हाय, आई एम सुरेखा। आई एम यश, आई मीन यशोदा, यशोदा। किचन इज दैट साइड एक्चुअली। किचन इज वेरी लार्ज बिकॉज big family, you see. लगाओ लगाओ, ठीक से लगाओ, रगड़ रगड़ कर लगाओ। लो बेटी, तुम भी लगाओ। हाँ हाँ, मैं तो लगाऊंगी, मैं तो आई इसलिए हूँ। लड़कियों, जरा नाजुक से हल्दी लगाइए मेरी बहू को, है ना? हाँ हाँ बेटा, बेटा सुनो, तुमने ये नेकलेस लोखंड वाला मार्केट से लिया है ना? वेरी नाइस बेटा, तू यहाँ खड़ी है, चल मैं तुझे गौरी से मिलवाती हूँ। रीटा, ये तो रोजी है ना? हाँ रोजी, और दरअसल इसकी माँ का नाम रीटा है। ये अपने नाम के आगे हमेशा अपनी अपना नाम, मेरा मतलब मैं इसे रीटा रोजी बुलाती हूँ। चल और ना, तेरा जो बॉयफ्रेंड होगा ना, उसका नाम वाई से शुरू होगा, एंड ही विल बी टॉल हैंडसम विद कर्ली हेयर, यू सी। अच्छे लगते हैं तेरे को मेरा लिबास है? अरे सुनो तो बेटे, हाँ जरा यहाँ तो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा यशोदा। तुम्हारी शादी हो गई क्या? क्यों? कोई लड़की नहीं मिली, मेरा कोई लड़का नहीं मिला। हाँ, तुम्हारे जैसी हट्टी कट्टी मुस्टंडी लड़की को लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत प्रॉब्लम आ रही। बड़ी सुंदर है, मेरा एक भतीजा है यश, वो भी काफी हट्टा कट्टा है, उसे तुम्हारे जैसी हट्टी कट्टी मुस्तंदी लड़की ही चाहिए। क्या तुम्हारा फोन नंबर दोगी? क्यों? मैं कभी उससे मिलवा लूंगी तुम्हें। फोन नंबर वो 342, मैं देती हूँ ना लिख के आपको, नंबर मेरा लिख के देती हूँ। अरे अरे, ये क्या, ये वाला नहीं जाते? जाते हैं ना, आज नहीं। अरे तो एक दिन में इतना ग्रोथ? मेरा तो ग्रोथ बहुत ज्यादा है, आप मैं देती हूँ ना नंबर आपको। अरे रुक ना, अभी भी तो आए और अभी तो ठीक से हल्दी लगी भी नहीं है, तू इधर रुक ना। कहाँ है प्रथम? वहाँ मम्मी जी, आपके सामने। कहने की जरूरत नहीं, आज तक मैंने तेरी हर गलती को नजरअंदाज किया, लेकिन आज तूने ये जो कुछ किया है ना, I'm sorry, mom.
एक्चुअली मेरे दोस्तों को मेहंदी की रस्म देखनी थी। मेहंदी की रस्म देखनी थी तो मुझे बताया होता, मैं खुद ले जाती उनको वहाँ। ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? कितनी बेइज्जती हुई हमारी। तनिष, गौरी के घर वाले हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? ये तो अच्छा हुआ तेरे बाबूजी को इन बातों का पता चल जाता तो क्या होता। बाबूजी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ दीदी, अब भाई साहब को मत बताइएगा प्लीज। दीदी प्लीज मुझे माफ करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ दीदी प्लीज इसको माफ कर दीजिए, ये आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। दीदी प्लीज प्लीज दीदी प्लीज माँ। मेरी अच्छी माँ प्लीज। अच्छा ठीक है, आज मैं माफ कर देती हूँ, लेकिन ये मत समझना कि मुझे इन बातों का बुरा नहीं लगा। आइंदा कभी ऐसी गलती की मारूंगी। Never, never. It will never happen again. Promise. लेकिन कुछ भी कहो, जीजू तो कमाल के लग रहे थे। सच में, उनके सामने सारी लड़कियां फीकी लग रही थी। देखना माँ। चुप करो तुम लोग। एक तो प्रथम ने ऐसी बुरी हरकत की और तुम लोग उल्टा उसकी तारीफ करे जा रहे हो। इसमें बुरा क्या था माँ? अब ये भी बताना पड़ेगा, ये कोई तरीका है गौरी से मिलने का? हमारे सारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे? वो तो यही सोचेंगे ना कि जीजू कितना एडवांस है, अपने होने वाली पत्नी से कितना प्यार करते हैं। और वैसे भी माँ, अब जमाना बदल गया है। जमाना तो बदल जाता है शशांक, लेकिन संस्कार नहीं बदलते। एटलीस्ट आप तो ऐसा मत बोलो। देख बेटा, माँ आपने प्रथम जीजू को ठीक से पहचाना नहीं है शायद। आप ही सोचिए, अगर शादी से पहले जीजू दीदी से मिलने के लिए इस हद तक जा सकते हैं तो फिर शादी के बाद तो दुनिया की सारी खुशियाँ उनकी झोली में डाल देंगे। हेलो, हाँ मैं प्रथम की मम्मी बात कर रही हूँ। बहन जी आप? नमस्ते बहन जी। कल हमारे यहाँ भोग है तो हमारे कुटुंब की तरफ से आपको इनवाइट करने के लिए मैंने आपको फोन किया है, और हम सोच रहे हैं कि कल ही लगन की तारीख भी पक्की करेंगे। क्यों, आपकी क्या राय है? हाँ हाँ, जैसा आप ठीक समझे। अच्छा अच्छा बहन जी, एक बात करनी है आपसे। हाँ कहिए। वो जो प्रथम ने जो भी कुछ किया इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है। अरे कैसी बात कर रही हैं आप, बच्चा है वो तो। यकीन मानिए हमने उस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, और आप भी ना उस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। थैंक यू, तो हम कल मिलते हैं, मैं फोन रखती हूँ। नमस्ते। प्रथम की मम्मी का फोन था, कह रही थी कल हमें जाना है उनके घर। गौरी ने तुझे पहचान कैसे लिया? इससे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ। जिस तरह के लुक से भाई साहब गौरी को दे रहे थे ना, उससे गौरी तो क्या कोई भी इनको पहचान लेता। अरे इसके चक्कर में मेरा और लव ट्रैक खराब हो गया। कितने हंस-हंस के बात कर रही थी वो सुलेखा मुझसे, तीन बार टच किया था मैंने उसको। अरे तो क्या हुआ यार, जो हो गया तो हो गया, भूल जाओ उसे, फॉरगेट इट मैन। अरे यार हमारे प्यार के चक्कर रोज थोड़ी चलते हैं जो। ये हंस क्यों रहे थे? क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो तुम लोग? क्या इधर क्या? परेशान दिखाई दे रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना? ओ, ये बात है। वैसे पिक्चर तो बहुत सुंदर है, किसने बनाई? जिसने बनाई है वो मिल जाए तो मुंह तोड़ दूं उसका। मुझे लगता है ये उन्हीं लोगों की शरारत होगी जिन्होंने प्रथम और गौरी की फोटोग्राफ की। और देखो ना, इसमें बालों का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेफ्ट राइट। ठीक कह रही हूँ ना प्रथम? एनीवेज हम चल रहे हैं, एंजॉय। ये अनिल एक मिनट।
जानता हूँ ये तस्वीर किसकी है और हाँ ठीक है हम लोग आपसे बात कर लेंगे। हाँ ओके। भैया का खाना बहुत अच्छा है लेकिन आप तो पहली बार आए ना। हाँ संस्कार मीटिंग के चक्कर में आ गए। भैया आ चुके भैया मैं और गौतम तो यहाँ आते ही रहते हैं। वो मिस्टर मल्होत्रा के साथ जो मीटिंग हुई थी यहीं पे तो हुई थी। अरे तुमने वो मिस्टर सब लोग को तो याद दिला दिया ना। हाँ अरे वो एक नंबर का बुलक्कड़ है। नहीं भैया मैंने उनसे कह दिया वो तीन पे तक आ जाएंगे। हाँ भैया जो प्राइस हमने मिस्टर सब लोग को कोट की है अगर उसमें हम 5% नीचे भी आ जाते हैं तो भी हमारे प्रॉफिट तो ज़्यादा सर होने वाला। देखो भैया क्या प्राइस लिस्ट तुमने दिया उसके ऊपर डिपेंड होता है। अब जाहिर है कि अगर उन्हें प्राइस संस्कार एक काम करो तुम ऑर्डर प्लेस कर दो। तुम पहले आ चुके हो ना। जी भैया मैं जरा आया। एक्सक्यूज मी प्लीज। एक्सक्यूज मी हाय नताशा। हाय समीर व्हाट अ सरप्राइज। थैंक गॉड तुमने मुझे पहचान लिया वरना मुझे तो लगा था कि तुम मुझे पहचानोगी नहीं। मैं बैठ सकता हूँ। बैठिए ना। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ तुम्हारा नाम तो हमारे घर पर 20 बार लिया जाता है। मतलब मेरे डैडी जो तुम्हारे बहुत बड़े फैन हमेशा तुम्हारी तारीफ करते रहते कहते हैं समय ऐसा है समय वैसा है समय का फ्यूचर बहुत ब्राइट है समय इज वेरी टैलेंटेड। समय ज्यादा तारीफ मत करो मतलब मैं डाइजेस्ट नहीं। तारीफ के काबिल हो तो तारीफ सुननी पड़ेगी। एनीवेज व्हाई डोंट यू जॉइन अस फॉर लंच। नहीं आई एम सॉरी वो दरअसल मैं मीटिंग के लिए आया हूं। ओके अच्छा तुम शाम को क्या कर रही हो। क्यों नहीं दरअसल क्या है आज शाम को मेरे घर पे मेरे भैया की शादी का मुहूर्त निकालने के लिए कुछ सेरेमनी है तो घर के सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो अगर तुम भी आ जाती तो अच्छा होता। आई एम सॉरी समय दरअसल बात यह है कि आज मेरी बेस्ट फ्रेंड के ससुराल में भी कुछ इसी तरह का फंक्शन है एंड प्लीज इफ यू डोंट माइंड मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। अरे नहीं नहीं इट्स ओके इट्स ओके। एक्सक्यूज मी चलो भैया मिस्टर सब लोग आ चुके हैं। इतनी जल्दी भैया 3 बज चुके हैं। ठीक है वो अभी आ रहे हैं। सॉरी नताशा मेरे क्लाइंट्स आ गए। I'll see you later. Okay. Bye. See you. My God, बहुत लेट हो गया। प्रीति शशांक जल्दी करो क्या कर रहे हो? गौरी बेटा हम प्रथम क्या जा रहे हैं? जी अपना ख्याल रखना। You ready? Let's go. Come on, let's go. Come on, प्रीति. Bye, प्रीति. Bye. Bye. See you. Have fun. दरवाजा अंदर से ठीक से लगा देना। बाय बेटा। वो गाड़ी की चाबी यही रह गई वही टेबल पे होगी। वो देखो बाय बाय। हेलो तुम क्या हो अपने होने वाले पति को देखकर मुंह क्यों फेर लिया। तुम यहां क्यों आए। तुमसे कुछ कहने के बाद आज मैंने कॉलेज में तुम्हारी घटिया हरकतें देखा। क्या समझते हो घटियापन पर सिर्फ तुम उतर सकते हो। एक बात समझ मुझसे उलझोगी तो बहुत पछताओगी और वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी खुशियों के दिन बहुत कम होंगे। परसों तुम्हारी शादी और उसके बाद तुम्हें हर दुख झेलना। आज के बाद तुम्हारी तकदीर में सिर्फ दुख ही दुख होगा। तुम्हारी शादी उस प्रथम निकल सकती है जो कुछ नहीं करके भी सब कुछ कर देता है। बी रेडी फॉर सब कुछ ओके।
दिखा सकते हैं। हेलो, हाँ वो सामान निकला वहाँ से। चलो ठीक है। हाँ यार, लिसन, आई विल कॉल यू बैक। ये बच्चे देखो, ये बच्चे उधर। हाय नताशा, तुम यहाँ? हाय, और तुम? हाँ, मगर तुम तो अपनी सहेली के पार्टी में जाने वाली थी ना? हाँ, मैं उसी लिए तो आई हूँ। गौरी के मम्मी डैडी। तो ये गौरी तुम्हारी फ्रेंड है? अरे गौरी की शादी तो मेरे भैया से हो रही है। अच्छा अच्छा, तभी तुम? हाँ, ये तो मेरा घर है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलाता हूँ। आओ। बड़ी माँ। आप हमारी बड़ी माँ, और बड़ी माँ ये है नताशा, गौरी की बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, नमस्ते। हेलो। हाँ, गौरी की मम्मी को तो आप जानती हैं। हेलो आंटी। हेलो बेटे। और ये है मेरी छोटी चाची। हेलो नताशा। हेलो। मैं तुम्हें बाकी लोगों से मिलाता हूँ। इतनी प्यारी लड़की है। अरे समय, वो सामान की लिस्ट दी थी मैंने तुम्हें। मैंने आदमी से कह दिया है, वो वहाँ पहुँच जाएगा बड़े बेटा। ठीक है ठीक है। नताशा सिंघानी है सबकी बेटी। अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो तारीफ तो हमारे समय भैया होलसेल में करते हैं। क्यों भैया, आप हमें इनसे इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे? या या, वो ये मेरे कजन हैं। वो दिया। हाय हाय। संस्कृति। हेलो हेलो। ये सिद्धार्थ। हाय। ये है तुषार। हाय। वेल, हम लोग को लगता है अब आपकी भी शादी हो जानी चाहिए समय भैया। नताशा जी, देखा भैया, ये भी हमारी बात से सहमत है। नताशा जी, आपकी नजर में कोई अच्छी सी लड़की हो तो हमें बताइएगा जरूर, हमारे समय भैया के लिए। हाँ लड़की, हाँ हाँ, बिल्कुल आप जैसी। मेरे ख्याल से तुम लोगों का कुछ ज्यादा हो रहा है ना, तो बेहतर ये होगा कि तुम लोग यहाँ से चलो। नहीं भैया, भैया हम ओ सुनो तो एक मिनट एक मिनट, ये क्या है, मेरे जो कजन है ना, ये जरा सिद्धि है, ढीठ है, ऐसे नहीं मानेंगे। एक्सक्यूज मी, आई विल बी बैक। चलो बाहर देखो। आओ भारत जी, हम लोग डिस्कस करते हैं बाहर। चलो बाहर डिस्कस करते हैं। चलो